हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन ब्लॉग। तो आज हम लोग का जाने का प्लान है पुष्कर, जहाँ पे ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करने का प्लान है। तो आइए आपको ले चलता हूँ पुष्कर श्री ब्रह्मा जी के मंदिर में। और हम लोग पहुंच चुके हैं चतुर्मुखी श्री ब्रह्मा जी के एकमात्र मंदिर के सामने। ये पुष्कर में है और आप ये सीढ़ियों के थ्रू ब्रह्मा जी के मंदिर, जगत पिता श्री ब्रह्मा जी के मंदिर, एक सीढ़ियों के थ्रू आप अंदर जाइए। अंदर जाने के बाद आपको सामने ही श्री ब्रह्मा जी का मंदिर आपको दिखाई देगा। यहाँ फोटो और वीडियो अलाउ नहीं है, तो मैं बाहर से ही आपको मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ। अंदर मूर्ति की फ़ोटो और वीडियो लेना वर्जित है। तो आप देख सकते हैं ये सीढ़ियों के थ्रू लोग अंदर जा रहे हैं और 5 से 10 मिनट में आपको श्री ब्रह्मा जी के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद आपको जस्ट बगल में ही माँ अम्बे जी की मूर्ति है, जो कि ब्रह्मा जी के साथ दर्शन करना बहुत अनिवार्य होता है। और इसके बाद आप बाहर निकलेंगे तो आपको काफ़ी दूर तक बहुत सारी चीज़ें, जैसे श्री ब्रह्मा जी की मूर्ति से लेकर उनका फ़ोटो फ्रेम और भी कई प्रकार के भगवानों के चित्र आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट लगती है, यहाँ से आप कई चीज़ें खरीद कर ले जा सकते हैं। और जैसे कि आपको बड़ी बड़ी तलवारें और राजस्थानी कपड़े, बैग्स और भी चीज़ें आप यहां से लेके जा सकते हैं। और आप इस गली को देखते रहिए और सारी चीज़ें जो भी आपको ख़रीदने का अवसर सिर्फ पुष्कर में प्राप्त होता है, वो बहुत कम जगह पर प्राप्त होगा। और आप जैसा कि देख सकते हैं, तलवार और चाकू, यहां की जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं, वो यहाँ पर मिलती है। और उसके बाद 200 से 300 मीटर आगे जाने ब्रह्म कुंड आपको मिलेगा। यहाँ की भी एक पौराणिक कथा है जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसकी कहानी ये है कि जब परमपिता ब्रह्मा जी और माँ सावित्री के बीच दूरियाँ उस वक्त बढ़ी जब ब्रह्मा जी ने पुष्कर में कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक एक यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ के अनुसार पत्नी के बिना संपूर्ण यज्ञ नहीं माना जाता और पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। सभी देवी देवता यह यज्ञ स्थल पर पहुंच गए थे, लेकिन सावित्री जी को पहुंचने में देर हो गई। कहते हैं जब शुभ मुहूर्त निकलने लगा तब कोई उपाय न देख ब्रह्मा जी ने नंदनी गाय के मुख से गायत्री जी को प्रकट किया और उनसे विवाह करके यज्ञ पूरा किया। इसी बीच सावित्री माता जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो ब्रह्मा जी के बगल में गायत्री जी को बैठे देखकर क्रोधित हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया गया कि पृथ्वी के लोग उन्हें भुला देंगे और कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। किंतु जब देवताओं की प्रार्थना पर वो पिघल गई और कहा कि ब्रह्मा जी केवल पुष्कर में ही पूजे जाएंगे, इस कारण यहाँ के अलावा कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। सावित्री माता का क्रोध इतने पर भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने विवाह कराने वाले ब्राह्मण को भी श्राप दिया कि चाहे जितना दान मिले ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होंगे। गाय को कलयुग में गंदगी खाने और नारद जी को आजीवन कुंवारा रहने का श्राप दिया। अग्निदेव भी सावित्री माता के कोप से बच नहीं पाए, उन्हें भी कलयुग में अपमानित होने का श्राप मिला। पुष्कर में ब्रह्मा जी से नाराज सावित्री माता आज भी दूर पहाड़ों की चोटी पर विराजती हैं, जहाँ पर आप जाकर उनका दर्शन भी कर सकते हैं, जो कि ब्रह्मा जी के मंदिर से कुछ ही दूरी पर उनका निवास है, जहाँ पर आज के समय में रोपवे के द्वारा भी आप जाकर वहाँ का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं।